देखो आप, हरकत देखो इनके, मतलब ऐसे कौन करता है पीछे मुड़ के। वो मेरी आंखों के साइड पे टेप लगा रही है। तुमने एक काम ही कर दो, दोनों आंखों पे अच्छे से टेप लगा के ना मुझे अंधी बना दो। हाँ हाँ सच में खूब सुंदर लगबे, ऐतो तो सुंदर लगबे कि लोग देख के ना मुझे पागल ही हो जाएंगे एकदम। और शादी में ना सारे एकदम ये कहेगी, या नहीं मुझे इसके साथ शादी करनी है, वो कहेगी नहीं तुम नहीं कर सकते, मुझे करनी है इसके साथ शादी। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है शायद। आईलाइनर का विंड तो देखो, ऐसा लग रहा है कि इसे पोलियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आफरीन। एंड गाइस आज हम दोनों जाने वाले हैं एक वर्स मेकअप आर्टिस्ट के पास। मैं अभी घर पे हूँ, अभी मैं नहा के आई हूँ। एंड अभी थोड़ी देर में रिजो आने वाला है, हम दोनों फिर निकलने वाले हैं। एंड आज मैं जिनके पास जाने वाली हूँ उनका काम बेहुदा है, बहुत ही बुरा काम है उनका। एंड और एक चीज़ है, रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी में एक फोटो शेयर किया था जो मैं स्विमिंग पूल पे बैठी थी। बहुत सारे हेट कमेंट्स आ रहे थे उसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को लगा था कि मैं बहुत ही खराब कपड़े पहन के बैठी थी वहाँ पे। एक्चुअली बात वो है कि मैंने जो पैंट पहना था वो पूरा स्किन कलर का था, तो आप लोगों को लग रहा था कि मैंने नहीं पहनी कुछ भी, तो ऐसी बात नहीं है। तो जो भी हो, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, लोग बुरा बोल रहे थे मेरे बारे में, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया था अपने कम्युनिटी पोस्ट से। बट वो फोटो मैंने इंस्टा में शेयर किया, तो आप लोग चाहे तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि मैंने क्या पहना है। आप लोगों को अच्छे से जूम करोगे तो पता चलेगा। चलो वहाँ पे जाके करते हैं बातें। सो लेट्स गो। सो गाइस मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ, बैठ गई हूँ और अच्छे से सेट हो गई हूँ। और मेरे स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही वो आ गई बोडोलिन लेके। क्या ये बोडोलिन है? बट आप बोडोलिन क्यों यूज कर रहे हो अभी? বোরোলিন লাগালে না স্কিন ভালো থাকে, মানে মেকআপের পরে কোনো অসুবিধা হয় না। বাট ময়শ্চারাইজার ক্রিম লাগানা ज्यादा जरूरी होता है, आपके पास वो नहीं है? এটা দিয়ে ভালো হবে, আমি সবাইকে এটা লাগিয়ে দেব। ঠিক আছে। मतलब मैंने आज तक कितने सारे वर्स मेकअप के पास जाके आई हूँ आप लोगों को पता है, बट पहली बार लाइफ में मैंने देखा कि कोई मेकअप से पहले बोरोलिन अप्लाई कर रहा है। यार सच में ऐसा होता है? मैं सच में बोरोलिन विंटर के टाइम पे लोग लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ कभी कभार रात को, बट दिन के टाइम पे बोरोलिन इस दोपहर के टाइम पे कौन लगाता है? यार पूरा फेस पसीना पसीना हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे फेस के अंदर ना आग जल रही है। आग ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैंने तो कभी नहीं यूज किया, तो आपने कहा पहली बार मैंने ये सुना, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं मेहंदी से ना एक्चुअली मुझे ना एलर्जी है, तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ। एक बार मैंने लगाया था तो रिसेंटली, पहले ऐसा नहीं था, बट अचानक से पता नहीं क्या हो गया, जब भी लगाती हूँ ना हाथ पे बहुत ज्यादा रैशेज निकल आते हैं, तो मैं नहीं लगाती हूँ इसीलिए। না তাও বিয়ে হচ্ছে, একটা কিছু না লাগালে কেমন দেখায় না? আর কি কি যায় আপ বলো, হাত মে র‍্যাশেস লেগে শাদি করনে সে আচ্ছা, তো আগে না লাগাও তো ই আচ্ছা হয়। আলতা লাগাতে পারতে তাতে ঠিক আছে, शायद मतलब घर पे जाके लगा लूंगी, अभी तो टाइम ही नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी मेकअप कर लो, मेरा तो घर भी बहुत दूर है आपको पता है तो। जो भी हो, झूठ बोलते बोलते इनका फाउंडेशन ऑलमोस्ट हो गया है, बट आप देखो कैसा फाउंडेशन लगाया यार। लगा ही नहीं आप ना, मतलब लग ही नहीं रहा कि मैंने फाउंडेशन लगाया। हाँ हाँ लगाओ, वैसे भी बोरोलिन के ऊपर कौन फाउंडेशन बैठेगा यार, कभी नहीं बैठेगा कोई भी। आप देख ही सकते हो कि इतना ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई कर रही है, बट कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब फेस वैसे का वैसा ही है, उल्टा मुझे लग रहा है काला पड़ रहा था फेस एकदम। फाउंडेशन लगा रहे हो मतलब स्किन के हिसाब से मैच ही नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने फाउंडेशन लगाया। अब देखो मतलब फेस उल्टा मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं ब्लैक पड़ रहा है फेस। कोई ठीक ही तो आज से हम तो सबाई की रकम भाबे को। तो बिना बात को बढ़ाए वो तीसरी बार मेरे फेस के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई कर रही है, कैन यू इमेजिन, तीसरी बार। जो भी हो, ऐसा लग रहा है कि मैं एक रूम हूँ और मेरे ऊपर कलर किया जा रहा है। वैसे रूम कलर करने के पहले भी एक प्राइमर आता है, पहले वो करना पड़ता है, बट इन्होंने तो प्राइमर नहीं लगाया। प्राइमर लगाने की क्या ज़रूरत है, बोरोलिन है ना, बोरोलिन सबसे अच्छा होता है। ठीक है आप लोगों को मैं बता रही हूँ, बेकार में मॉइस्चराइजर, प्राइमर, टोनर, क्या ज़रूरत है ये सब खर्च करने की, ये सब हटाओ और आज से बोरोलिन लगाओ। ये बात तो ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो मतलब ब्लेंड ना हुआ नहीं, आप थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए ना अच्छे से। यहाँ पे देखिए आप फाउंडेशन से चारों तरफ मतलब ये हो गया है। अब ब्लेंड होगा कैसे, मैडम जी ने तो उंगली से धीरे धीरे करके बिठा दिया फाउंडेशन मेरे फेस के ऊपर, अब उसको ब्लेंड भी तो करना पड़ेगा, ये उसको कौन समझाएगा। अब जो भी हो, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने ब्लेंड किया, वैसे भी कुछ काम में आया नहीं, वैसे बोरोलिन के ऊपर फाउंडेशन जिंदगी में कभी नहीं बैठेगा। तो जो भी हो, अभी होने वाला है आई मेकअप एंड
देखो आप हरकत देखो इनके, मतलब ऐसे कौन करता है, पीछे मुड़ के वो मेरी आंखों के साइड पे टेप लगा रही है। तुमने एक काम ही कर दो, दोनों आंखों पे अच्छे से टेप लगा के ना मुझे अंधी बना दो। सिर्फ आंखों में ही क्यों, तुम ना पूरा फेस पे टेप लगा दो, वही अच्छा रहेगा, मेकअप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड और एक जो चीज़, तुम जैसे आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट तुम लोग नहीं हो, छोटे मोटे मेकअप करते हो लोगों को शादी तुड़वाने के लिए, पता नहीं क्यों करते हो ये सब, बट ये सब ना तुम लोगों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शादी का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है एक लड़की के लिए, बट इन जैसे लोगों के लिए ना वो यू नो सब कुछ बर्बाद हो जाता है एकदम। अभी वो अप्लाई कर रही है कंसीलर मेरी आई लिड पे, और अभी होने वाला है आई मेकअप, और आई मेकअप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मेकअप कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। ये डायलॉग मैंने एक बार कहा था, या फिर मंजुलिका जैसे होगा, अब कहाँ से ढूंढू नए नए डायलॉग। तो जो भी हो, अभी वो सब कुछ सेट कर रही है कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ, सो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट ये क्या है भाई, ये आईब्रो पेंसिल है या फिर काजल है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, बट जो भी चीज़ है उससे वो अभी कट क्रीज बनाने की कोशिश कर रही है, पता नहीं शायद आज फाइनल लुक कुछ अच्छा होने वाला है। ये कैसा कट क्रीज बना रहे हो, एक को नीचे से ड्रॉ किया एक को ऊपर से कर रहे हो, मतलब मेकअप के बाद तो लगेगा कि एक आंख इसकी छोटी है और दूसरा उल्लू जैसा। देखो यार, एक अच्छा तो एक बुरा तो एक अच्छा। अभी वो अप्लाई कर रही है आई शेडो फिंगर की मदद से, तो चलो देखते हैं फिंगर से भी कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि इन सब लोगों के पास कुछ नहीं होता है, ये लोग आर्टिस्ट नहीं है, ये लोग खाली लूटते हैं लोग को घर पे बैठ के, तो देखते हैं कि क्या होता है। अब ग्रीन तक तो सब कुछ ठीक ही था, अब ये रेड कहाँ से टपक पड़ा भाई, ऐसे ऊपर कोई रेड थोड़ी ना देता है। क्या आप गर्मी से परेशान हो, क्या आपको वाटरमेलन खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो इन्होंने सोचा कि इसी को वाटरमेलन बना के क्यों ना मैं ही खा लूँ। एक मिनट, तो मतलब ये अच्छा लग रहा था मुझे, यहाँ पे कटकड़ी टाइप अपने थोड़ा सा बनाया, बट यहाँ पे रेड देने की क्या जरूरत है, मतलब रेड देने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आप देखिए না তোমার শাড়িতে লালটা ছিল তো আমি তো প্রথমে সেটা দেইনি, তাই দেখো মেকআপ করার পরে খুব সুন্দর লাগবে, ভালো লাগবে। ঠিক আছে। हाँ हाँ सच में खूब सुंदर लगबे, एतटा सुंदर लगबे कि लोग देख के ना मुझे पागल ही हो जाएंगे एकदम, और शादी में ना सारे एकदम झमेला क्रिएट करेंगे। ये कहेगी यार नहीं मुझे इसके साथ शादी करनी है, वो कहेगी नहीं तुम नहीं कर सकते मुझे करनी है इसके साथ शादी, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है शायद, इसीलिए वही कोशिश कर रही है और मुझे खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही है ये मैडम जी। तो आई मेकअप का कार्यक्रम जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है, और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हूँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना अंदर से, ऐसा लग रहा है कि अभी मैं अगर जाऊँगी तो मुझे मिस इंडिया नहीं सॉरी मिस वर्ल्ड बना दिया जाएंगे इस मेकअप के साथ। अब आईलाइनर का विंड तो देखो, ऐसा लग रहा है कि इसे पोलियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी ये मेरे आईब्रोज को ड्रॉ कर रही है एक पेंसिल के साथ, जो कि सारे वन है, मतलब आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो, कट क्रीज कर सकते हो, काजल देखो काजल भी पहन सकते हो, आईब्रोज भी ड्रॉ कर सकते हो। बेकार में हम लोगों ने क्या किया या लाइफ में, बेकार में हम इतना कुछ एक साथ खरीदते हैं। इस पेंसिल के बारे में मैं पता लगाती हूँ, फिर आपको बोलती हूँ कि ये कौन सा निंजा टेक्निक वाला पेंसिल है। ये सब कुछ आप कर सकते हो, आप चाहें तो ब्लैक लिपस्टिक भी पहन सकते हो इससे। तो अभी वो ये चुड़ैल जैसी जो मेकअप है, सॉरी जो मिस वर्ल्ड वाली मेकअप है, इसको अच्छे से सेट कर रही है कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ। इसके बाद मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हूँ, आप देख सकते हो कितना ब्राइट हो गया है मेरा फेस, हाँ। एनीवेज तो वो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से वो ब्लशर लगा रही है। अब ब्लशर में आजकल कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन्स पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ब्लशर नहीं इसको ब्लश कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लश नहीं ब्लशर, तो मैं बता देती हूँ कि दोनों ही आप इसको कह सकते हो। तो जो भी हो, अभी इसने मेरे गाल को पूरा टमाटर जैसे लाल लाल कर दिया है, अभी टमाटर का ही सीजन चल रहा है, कम दाम में मिल रहा है, तो उसे लगा के ये टमाटर का टोकरी बना देते इसे। एंड हाय ये बिंदी, इसी की कमी थी, देखो बिंदी पहनने के बाद ना सच में मैं पूरा सुंदरी दिख रही हूँ एकदम। तो अभी वो एक छोटा सा मस्कारा लेके मेरे आई लैशेस को झाड़ू लगा रही थी, मतलब जो भी हो। उसके बाद आ गया ये कोलका। अब बंगाल में कोलका सबसे स्पेशल होता है, सबसे सुंदर यहीं पर होता है, बट ये लोग ना बदनाम करते हैं अच्छे लोगों को। इस कुमकुम के साथ कोलका कैसे बनाएंगे लोग, ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वर्ड्स जो मेकअप आर्टिस्ट है वो लोग इसी से काम चलाते हैं, बट क्यों करते हैं ये लोग ये, सच में मुझे आज तक ये पता नहीं चला। और ये भूतिया मेकअप करने में वो इतना ज़्यादा टाइम लगा रही थी ना, मुझे सच में नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर सो जाऊँ। तो अभी वो अप्लाई कर रही है आईलैशेस, जो कि काफ़ी अजीब सा था, ऐसा लग रहा है कि मतलब हज़ारों लोगों ने उसको यूज़ किया, तो ये आईलैशेस शायद मुर्गों को भी पसंद नहीं आया। और कोई आईलैशेस नहीं है ना, तो इतना ही अच्छे, मतलब ये थोड़ा सा अलग,
पता नहीं किस बात के पैसे लेते हैं ये लोग हमसे। चलो मेकअप बुरा कर दिया, पैसे तो हम आपको दे रहे हैं, उस चीज से कुछ अच्छी अच्छी चीजें अगर धीरे धीरे करके खरीदते हो आप लोग तो आपका काम बन जाता है और प्रैक्टिस करने से मेकअप भी अच्छा होता है। बट इनसे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग खाली बेकार से प्रोडक्ट से हमें मेकअप करके देते हैं और खुद पैसे लेके ऐश करते हैं। ऐश ऐसे हाईलाइटर वाइलाइटर इन लोगों को शायद पता नहीं है उन सब के बारे में। अभी वो लिपस्टिक अप्लाई कर रही है, एक पुरानी टोकरी से, एक पुरानी बॉक्स से इन्होंने एक लिपस्टिक निकाला और उसी से वो काम चला रही है। पता नहीं किस बाबा आदम जमाने की लिपस्टिक होगी, बट क्या कर सकते हैं। तो चलो माला ज्वेलरी वोली पहनने के बाद का फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। अच्छा फिर हो गया या फिर और कुछ बाकी है? है, हो गया अच्छे। अच्छा तो आपको, बट आप एक चीज देखिए ना, फेस ना मतलब नॉर्मल कलर जैसा ही है, कुछ ये नहीं लग रहा है मुझे, उल्टा थोड़ा सा ब्लैक ही लग रहा है आप मेरे हाथ से भी फेस। तो फाउंडेशन का ना कुछ ये अच्छा नहीं लगा मुझे। शादी में दुल्हन ज्यादा मेकअप कर ले तो लोग तो देख के हंसेंगे। जब कोई मर जाता है ना तो आप उनको देखने जाते हो, तब आप दुल्हन जैसे मेकअप करके जाना, वही अच्छा रहेगा। देखिए मतलब देखिए उतना भी कुछ ऐसा मेकअप भी नहीं हुआ है, पूरा आप सिंपल एक लुक आपने दिया, तो मेरे ख्याल से मैं एक काम करती हूँ, 1000 दे देती हूँ आप। ठीक है ताले, ताई दाओ। ठीक है फिर कल के लिए तो मैं आऊंगी, कल रिसेप्शन है मेरा ना, तो इसी टाइम पे मैं आऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? तो कल का मेकअप मतलब रिसेप्शन का मेकअप भी बहुत ही जल्द आने वाला है, तुम मिस मत करना। सो गाइस आ गई हूँ मैं घर वापस, सभी देख के मुझे बहुत ज्यादा डर गए, स्पेशली मेरी मम्मी, हालत इतना ज्यादा खराब है, पूरा पसीना पसीना हो गया है बोरोलिन लगाने की वजह से। एंड मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि मैं इतना ज्यादा डेंजरस दिख रही हूँ, मैं क्या बताऊँ। तो आप लोग ही बताओ कि मैं कैसी दिख रही हूँ, पूरा फेस काला पड़ गया है, मतलब हाथ मेरा ज्यादा व्हाइट लग रहा है, मतलब ब्राइट लग रहा है, और फेस ब्लैक लग रहा है, ये पूरा बोरोलिन लगाने की वजह से ही हुआ है, बट उनको कौन समझाएगा ये चीज। एनीवेज जो भी हो, अभी आप लोगों को पता है कि मैं क्या कहने वाली हूँ और क्या करने वाली हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसका पूरा क्लोज लुक दिखाने वाली हूँ आप लोगों के फेवरेट म्यूजिक के साथ, तो चलो जल्दी जल्दी देख लो।